वेरी गुड इवनिंग मित्रों, आज एक बार फिर जो है वो कुछ सुखद समाचार मिला है। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी लंबे समय बाद, खैर जो हो रहा है या जो होने वाला है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने अथक प्रयास किया, उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में 2 अवसर प्राप्त करने हेतु लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कहाँ कहाँ हम नहीं घूमे। अब वो लगता है कि शायद सरकार जो है ये मन बना रही है कि इनको जो है 2 अवसर 21 और 22 में प्रदान की जाए। इसके तहत प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। उस समय जब हम लोग थक हार कर मुख्यमंत्री जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे गोरखपुर में, तो वहाँ जो है उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़े में कहा कि आप लोगों को कोई अवसर अब शेष नहीं दिए जाएंगे। उससे हम लोग काफ़ी मायूस हुए, लेकिन फिर भी एक अंदर से विश्वास था कि अंततः सरकार हमारे मांगों को स्वीकार कर ही लेगी। हम लोगों ने हार नहीं मानी, कोर्ट का भी रुख किया। कोर्ट ने भी एक तरह से सरकार को निर्देश दिया, जज साहब को भी लगा कि बच्चों की जो मांग है, चूँकि जब भी PCS का सिलेबस बदला है संघ लोक सेवा आयोग में, IAS में, तो संघ लोक सेवा आयोग ने उस साल के बच्चों को या तो 2 या 3 अवसर अवश्य प्रदान किए हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी चाहिए था कि जब इतने बड़े पैमाने पे सिलेबस का बदलाव हुआ है था 2018 में, कई सारे सब्जेक्टों को हटाए गए, जो मेंस की परीक्षा है उसको, जो ऑब्जेक्टिव था GS उसको रिटर्न कर दिया गया, एक सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल उसको लेने की अनुमति जो है वो लोक सेवा आयोग ने रखी, दो सब्जेक्ट की जगह एक सब्जेक्ट हो गया और GS जो है वो रिटर्न हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। तो इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव था ये, इसको देखते हुए सरकार को चाहिए था कि अगर लोक सेवा आयोग नहीं देता है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये नहीं हुआ और हम लोग काफ़ी जो है परेशान हो गए, 2-3 साल इधर उधर भटकते रहे इस आस में कि कोई हमारा जो है दुख सुनेगा और अंततः हम लोग की विजय होगी, एक बार फिर से हम लोग PCS परीक्षा में बैठेंगे। तो दोस्तों, उसी से संबंधित आज कुछ न्यूज़ फिर से एक बार इस अमर उजाला पेपर में, न्यूज़पेपर में निकला है। ऐसा लग रहा है कि सरकार भी अब ये मन बना रही है कि इनको 2 अवसर दे दिया जाए। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप घबराइएगा नहीं, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा। तैयारी का मतलब कि आप मनोस्थिति से, आप मनोयोग से इस परीक्षा के लिए अभी तैयार रहिए। आगे हमें पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास हो रहा है कि सरकार हम लोग की बातों को मान जाएगी, क्योंकि हम लोग की जो मांग है वो बिल्कुल ही जायज़ है, बिल्कुल ही कोई हम लोग अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं अपनी सरकार से, और ये हमारी चुनी हुई सरकार है। तो आयु की बाधा को, उम्र की बाधा को इस परीक्षा में सरकार जो है वो नहीं आने देगी और हम लोगों को जो है वो 2 अवसर अवश्य प्रदान करेगी। इसकी लड़ाई जारी है, चलती रहेगी। हम वीडियो बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद दे रहे हैं, कारण इसका ये है कि मैं इस समय जॉब में हूँ, टीचिंग जॉब में हूँ, और टीचिंग का काम जो है वो चल रहा है। मित्रों,
रोज़ हमको 45-50 किलोमीटर जाना आना पड़ता है, समय का अभाव है, और इसी कारण से मैं लगातार बार बार आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। बस ये समझ लीजिएगा कि जो PCS में अवसर के लिए जो लड़ाई है वो हमारी चलती रहेगी जब तक कि हम लोग को दो अवसर सरकार नहीं दे देती। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं और आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है प्रयास को जो है हम लोग की प्रयास जो चल रही है उसको सफल बनाएं, उसमें सहयोग करें। अगर जल्द ही इसके बारे में कोई घोषणा नहीं होती है सरकार के तरफ से, तो हम लोग फिर से एक बार अपनी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख होंगे और उनसे विनती करेंगे, याचना करेंगे कि दो अवसर हमें ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।